She got a body like a goddess. And she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest. Good job, buddy. ये काटा टोली का जाम है जो कि सदाबहार जाम है। इसमें हमको लगता है कि फ्लाईओवर बन भी जाएगा तो भी ये सदाबहार जाम हमेशा सदाबहार ही रहेगा। मैं जा रही हूँ एक यूट्यूबर से मिलने के लिए, एक बहुत बड़े यूट्यूबर से मिलने के लिए जो रांची के ही हैं। अभी मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, किसी कारण से नाम नहीं ले सकती हूँ और ना ही मैं उन्हें अपने मोबाइल में उन्हें कैप्चर की हूँ जो उन्हें मैं दिखा भी नहीं सकती। तो आने वाले समय में मैं ज़रूर बताऊंगी कि मैं किससे मिलने के लिए गई थी, लेकिन अभी मैं नहीं बता पाऊंगी। और इतना ज़्यादा जाम है, मैंने उनसे मिलने का टाइम मैंने उन्हें दिया था 7 बजे और इतने ज़्यादा जाम मुझे मिल रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं टाइम पर नहीं पहुँच पाऊँगी। और मैं पहली बार मिलने जा रही थी उन्हें, तो मुझे लग रहा था कि मैंने जब उन्हें टाइम दिया है तो मैं एकदम टाइम पे पहुंचूं, मैं लेट से ना पहुंचूं। और ये है खेलगांव, मैं उनसे खेलगांव जा रही हूं मिलने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग, आज है दूसरा दिन का मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कल घर आने में काफ़ी रात हो गई तो कुछ सूट नहीं कर पाई थी। मैं बना रही हूँ नाश्ते में मकई की रोटी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा मेथी मिलाया है और इसे मैं गर्म पानी से गूंथूंगी। और सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू की कढ़ी, जिसके लिए मैं अभी इस वक्त आलू छील रही हूँ और इसे मैं गोल गोल चॉप करूँगी, पतला पतला एकदम। गोल गोल मैंने इसे कट कर लिया और इसे फिर पानी में करके मैंने रख दिया। और अब मैं कट कर लूँगी प्याज, जो ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, इसे मैं कट कर लूँगी। और एक या दो टमाटर कट कर लूँगी और हरी मिर्च कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को कट कर लिया है और कढ़ाई में सरसों के तेल को डाल दिया है और ये डाला मैंने जीरा। और ये जो मैंने आलू कट करके रखे थे उसे डाल दिया। ऐसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट ढक के, उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे क्योंकि एक साथ डालने पे प्याज जल जाएगा। देखिए प्याज भुन गया है यहाँ आलू के साथ। इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर,
और इसे ढक के मसाले को थोड़ा सा पका लेंगे, इससे अच्छे से मसाला पक जाता है। और यहाँ मैंने एक बर्तन में लिया है 4 बड़े चम्मच बेसन, 4 बड़ी चम्मच दही, और इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें जो गांठ रहती है वो ना रहे। देखिए एकदम गांठ नहीं है, एकदम मुलायम बना है। और उसके बाद इसमें जब हम देख लेंगे अच्छे से कि कोई गांठ बाकी नहीं है, तब इसमें हम पानी मिलाएंगे और पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ इंडक्शन हमने कर दिया है बंद और उसके बाद हम वो मिक्स डालेंगे इसमें, नहीं तो दही फट जाएगी और फिर आप कहेंगे कि मैंने बताया नहीं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ही इंडक्शन ऑन करेंगे और एक बॉयल आने तक इसे चलाएंगे। और उसके बाद इसमें ये मसाला डालेंगे, इसमें कुछ नहीं, भुना हुआ जीरा और भुना हुआ धनिया है। और एक बॉयल आने के बाद हम इंडक्शन अपना बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे कटे हुए धनिया की पत्ती और बाद में इसमें लगाएंगे तड़का जो कि होगा सरसों और कड़ी पत्ता का तड़का और इसे ढक के साइड में रख देंगे ताकि उसकी स्मेल उसमें बनी हुई रहे। और ये मेरी मकई की रोटी, मुझे हाथ पे मकई की रोटी बनानी नहीं आती है तो मैं क्या करती हूँ कि हाथ पानी लगा के तवे पे ही डायरेक्ट इसे फैला देती हूँ। हाथ पे मैंने बहुत बार बनाने की कोशिश की है पर वो टूट जाती है मुझसे हमेशा। हाँ अगर आप थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा मिक्स कर लेते हैं तो वो रोटी जैसा बेल के भी आप बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ मकई का आटा यूज किया है जिससे वो बेल के डायरेक्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये रेडी है नाश्ता, आलू की कढ़ी और मकई की रोटी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो भी नए हैं या जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ यात्रा एंड किचन विद लिपिका। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही और मिलती हूँ आप सभी से मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।